आप पटो सर थोड़ा सा जुम्मा मैं भी दे देता हूँ। लगाओ 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 इधर आ जाओ थोड़ा सा आगे मुझे भी आने दो। तो मतलब भाई इस समय बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उत्तरी पूर्वी जिला में है देखा जा रहा है कि जो दूसरा प्रत्याशी प्रतिद्वंदी आपके सामने है कांग्रेस का और वो जिस कोने में नहीं आ रहे हैं गली घर गली को घर को खटाने का काम कर रहे हैं इस तरह। देखिए हमारा पिछले 10 वर्षों का जो हमारा काम है इस क्षेत्र में जो भी सोनिया बिहार में रहता होगा सिग्नेचर ब्रिज से तो आता होगा उसको सिग्नेचर ब्रिज बना के उसको दिया मैंने। वो खजूरी से इधर आता होगा तो जिस सड़क से आता होगा एलिवेटेड रोड बना के दिया हमने। वो जब यहाँ का यहाँ से आते हुए शास्त्री पार्क से गुजरता होगा पहला पुस्ता दूसरा पुस्ता सारे जाम खत्म किया हमने उसको पता चलता होगा। तो हमारे पास बताने को बहुत कुछ है लेकिन जनता यहाँ की कुछ परेशानियों में भी तो हम तो उनको गली में जाएंगे क्योंकि हम जिन लोगों ने भ्रम फैलाया है वो तो गली में आएंगे नहीं। अब अगर यहाँ दिल्ली में पानी की समस्या है दिल्ली में सड़कों के जल जमाव की समस्या है नाला क्लीन नहीं हो रहा है तो ये पूरे दिल्ली की व्यवस्था है और ये चाबी अरविंद केजरीवाल जी के पास। उत्तरी पूर्वी दिल्ली ही नहीं आप पूरी दिल्ली में जहाँ भी जा रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में तो आपको नाले की खरंजे की सफाई की व्यवस्था पे शिकायत मिलती है। तो यहाँ अगर दिल्ली उत्तरी पूर्वी दिल्ली की सर बात करें तो यहाँ पार्षद आपका है यानी बीजेपी का है विधायक बीजेपी के हैं और ये जनता की भी शिकायत और सांसद आप खुद ही रहे हैं 10 साल तो ये क्या क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से तो ये लोगों की गलती रही आखिरकार बजट जिस तरह से आप कह रहे हैं तो ये लोगों की क्या प्रॉब्लम उनकी समस्या सॉल्व कर दी। देखिए जिम्मेदारी तो हम ही लेंगे हम किसी और पे नहीं डालेंगे बस हम लोगों को समझाने में लगे हैं कि आपने तो हमको मौका दिया लेकिन दिल्ली के पूरे नंबर में हम दिल्ली सरकार में नहीं आ पाए और तो दिल्ली सरकार को पानी खड़ंजा बिजली छोटी छोटी सड़कें अब तो MCD भी उनके पास है तो लोग समझ जा रहे हैं। लोगों को 5 मिनट लगता है और अभी हम सबको बता रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि हम सोनिया बिहार के पुस्ते को दबा करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि 6 लाइन में अब तक आपने मेरे चैनल पर 2-3 बार बोला है कि मुझे मेरे दायरे में नहीं आता आगे वो दायरे में लेंगे। अब आपको जो हमारा एलिवेटेड रोड 709 भी बनाया हमने वो भी हमारे दायरे में नहीं आता था उसको हमने कन्वर्ट किया नेशनल हाईवे। अब हम सोनिया बिहार पुस्ते को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करेंगे केंद्र के पास लेंगे। जैसे अब आप थोड़ा सा अगर समीक्षा करेंगे तो जो सड़क पहले लोनी रोड होती थी नेशनल हाईवे अब हमने पुस्ता रोड को नेशनल हाईवे करके बना दिया तो दिल्ली के लोगों को तो ये सुविधाएं देनी पड़ेगी इसलिए हमें कुछ नोटिफिकेशन चेंज करना है और हम वो करेंगे। सांसद जी अगर प्रयास किया जाए तो इसका मतलब जैसे डबल पुस्ता हो सकता है। क्या है कि पहले डबल पुस्ता तक आने की तो सड़क बनाते तो पहले वो बनाया पहले सिग्नेचर ब्रिज बनाया फिर डबल पुस्ते तक आने की सड़क बनाया अब डबल पुस्ता भी बनाएंगे। ओके सर ओके।